पल दो पल का शायर। बहुत अच्छे। Yeah.
बाद भी इन्होंने बहुत सुंदर गीत पेश किया। एक शेर यूं है कि कुछ इस तरह है वसीयत की मीर ने कि सब कुछ होना मगर आशिक मत होना, और सब कुछ होना मगर आशिक मत होना। पहले पुराने जमाने में ना जोड़ियां बहुत बनती थी, फिल्म हीरो हीरोइनों की जोड़ियां, सबसे पुरानी जोड़ी शायद दिलीप कुमार और मधुबाला की थी, और उसके बाद राज कपूर और नरगिस की बनी, और उसके बाद देवानंद और सुरैया आपको याद हो, धर्मेंद्र हेमा मालिनी इनको दुनिया ने पति पत्नी मान लिया जब कोई शादीशुदा थे धर्मेंद्र की, राजेश खन्ना मुमताज, अमिताभ बच्चन रेखा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह, और उसके बाद कोई जोड़ी ऐसी दिखाई नहीं थी, तो है तो हम वो एक वो जोड़ियां जो बनती थी वो आजकल वो फिल्मों में नहीं बन रही। और अब मैं नरेश, एक फिल्म आई थी सिंघम रिटर्न, एक अरसे बाद नरेश कुमार हमारे मंच पर आ रहे हैं, बहुत जोरदार ताली स्वागत कीजिए। 5 फरवरी 1996 में जब मैंने ओल्टेक ज्वाइन की तो मुझे ऐसा लगा ये आदमी मेरा इंतजार कर रहा था ओल्टेक, और मेरी ऐसी उंगली पकड़ी, और इसके डायलॉग, एक डायलॉग तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दूं कि नरेंद्र हम फिल्में नहीं देखते ना तो मर जाते। ताली ऐसे डायलॉग में मैं चाहूंगा, फिल्में नहीं देखते तो मैंने और इतनी एक ही टाइम में फिल्में देखी और एक जैसी थिएटर में फिल्में देखी हैं, वो सारी चर्चा होती है मेरी और नरेश की, जैसे 25 साल हो गए कभी मनमुटाव नहीं हुआ और हर जगह मुझे सपोर्ट मिला, मैं हूं ना फिल्म देखता है। पहले जब एडवर्ड ने अपने कल्चर प्रोग्राम शुरू हुआ था तब मैंने गीत गाया था, उसके बाद इस बार दोस्तों के आग्रह पे कि नहीं गाना चाहिए तो मैं आया हूँ दोबारा गाने, तो इसलिए रिटर्न बोला गया, तो कुछ कमी हो तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो मेरा गाना है बारिश पे, क्योंकि इस साल बारिश काफी हुई है तो थोड़ा बारिश का आनंद देते चलो। Thank you.
गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को संभाल ले सके, मजा तो तब है गिरतों को संभाल ले सके। दो शोमैन हुए हैं, एक राज कपूर और उसके बाद सुभाष ले। शोमैन वो था छोटी चीज को बड़ा लार्ज करके दिखाते। अगर सीमेंट इंडस्ट्री का शोमैन पूछा जाए तो मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, उमेश श्रीवास्तव जी का, क्योंकि जो उनका अंदाज है, जो हाथ मिलाने का स्टाइल है, और जब मिल गए तो जब पूछते हैं ना और क्या चल रहा है, तो वो तो ना कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। और जब मैंने इनको अपनी पुस्तक भेंट की कि सर मैं लघुकथाएं लिखता हूँ, और इन्होंने मेरे को चौंका दिया, इन्होंने लघुकथाकारों के नाम लिया। मैंने कहा लघुकथाएं तो मैं लिखता हूँ, बोले इतना पुराना, और मैंने एक बार लिख दिया तो इन्होंने पूरा हिंदी में डॉट 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 मेरी मात्राएं ठीक की, तो मुझे जो ना इतना ताज्जुब हुआ। मैंने कहा सर कमाल है, हिंदी में तो मैं लिखता हूँ लेकिन आपको इतना इतना कुछ होते हुए, एम्पायर का वो होते हुए, और बहुत बड़ी बात है ये। और आज जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे, जो आप डाटा दे रहे थे। तो मैं सीमेंट इंडस्ट्री का शोमैन अगर कहूँ तो उमेश श्रीवास्तव जी हैं, राज कपूर और सुभाष घई के बाद अगर नंबर आता है तो हीमैन भी दो हुए हैं। सब धर्मेंद्र को तो शायद सब जानते होंगे, धर्मेंद्र हीमैन, लेकिन उससे पहले एक और हीमैन हुए हैं जिनको खिताब मिला था, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार को हीमैन कहा जाता था धर्मेंद्र। अगर होल्टेक का हीमैन किसी को कहें तो हमारे वीरेंद्र बत्रा जी हैं, क्योंकि इनका स्टाइल है। नरेश तो जानता है कि हम इनको धर्मेंद्र बोलते हैं, और अमिताभ बच्चन सुवर्ण साहब को बोलते थे। ये हमारा ना एक पता नहीं क्यों एक जैसे आदत होती है बच्चों की, स्कूल में सारे टीचर्स के नाम निकले होते हैं तो हम सबको स्टार के नाम से दे रखा है सबको ना, जैसे धर्मेंद्र हीमैन बोलते हैं। तो अब एसके जी है, ये जंपिंग जैक जितेंद्र बोलते हैं हमको, क्योंकि ये कहां से काम करेंगे, सीट पे चले जाएंगे, कुछ पता नहीं होगा। आदमी काम कर रहा है कई बार तो पता चला आपने कुछ खोल रखा है तो एकदम से आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि तो बुलाने बुला लेते हैं, सारे चढ़ते बुलाते हैं, और पता चला मदीन साहब की सीट पे है, एकदम से वहां दिखाई दिए वहां दिखाई दिए। तो उतना स्मार्टनेस जो ना या तो जितेंद्र में दिया, इसके बाद मैं सोचता हूँ हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी के हैं। अच्छा मैंने ना ये अभी पीके प्रसाद जी का नंबर है, प्रसाद जी को मैंने एक शेर सुना है, इन्होंने मेरे को डांट दिया। मैंने बोला ये एक जमाना था जब हमारा पसीना गुलाब था, एक जमाना था जब हमारा पसीना गुलाब था, अब तो इत्र भी छिड़कते हैं तो खुशबू नहीं आती। ये बोले अरे यार ऐसे मत बोल, भाई अभी खुशबू आती है। हमारा आज भी पसीना गुलाब है, तो पसीना कैसा गुलाब है, मैं पीके प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पसीने को गुलाब करें। मेरे मित्रों ने मुझे बहुत बहुत बार बोला कि नहीं आप जरूर आइए स्टेज पर, आप जरूर गाना गाइए। तो हमारी उम्र में हम गाना गाए तो बहुत सोचते थे कि मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं, चलो दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये गाना 1950 का है और उस समय काफी नाम था लेकिन मैं बहुत छोटा था। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। आप फिल्म का नाम था मैं भूल गया, लाजवाब, और गायक हैं मुकेश और लता मंगेशकर, लेकिन मैं तो लता मंगेशकर का कॉपी नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करता हूँ। जमाने का दस्तूर है, क्या बात पुराना जमाने का दस्तूर है,
तुझे वो तेरी याद
शेर यूं है कि राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, उनसे जब हाथ मिलाना दबा भी देना, उनसे जब हाथ मिलाना दबा भी देना। वैसे तो इस खत में कोई खास बात नहीं है, वैसे तो इस खत में कोई खास बात नहीं है, जब इसे पढ़ लो तो जला भी देना, जब इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और अब मैं हाँ सबूत मिल जाएगा, ये अनुभवी आ रहा है, बच्चे बहुत एक्सपीरियंस है। और अब मैं मैडम इला गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो आए और मधुर वाणी से गीत पेश करें। इला गुप्ता, जोरदार तालियों से स्वागत किया। धर्मपत्नी गलत शब्द है, नहीं हंसनी बात नहीं है, मैं सीरियस क्यों, बेहतर पत्नी होती है, धर्मपत्नी
पत्नी तो ये होती है गड़बड़ वाली, बोलो धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म की भाभी, आपकी तो ब्याहता पत्नी है, तो मेरी ये ब्याहता पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है, बाकायदा ब्याह हुआ है। और ये पति पत्नी का रिश्ता भी जो है ना बड़ा दुनिया में अगर ये कहे ना बड़ा अद्भुत रिश्ता है, बहुत अद्भुत रिश्ता है। शाम को हो सकता है हम एक दूसरे को कसम खा लेंगे आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, और ये भी कह दे आज के बाद शक्ल, और सुबह हम चाय पी रहे हम दोस्त। ये पति पत्नी में ही हो सकता है कि तू दुनिया में सबसे तू पराया भी है और मेरी सांसों में समाया भी, सबसे पराया भी है और मेरी सांसों में समाया भी है। तो अच्छा, इस शोमैन मैं सर को इसलिए भी कहता हूँ, इतने लोगों को इतने बड़े शो में मंच देना, और मैं तो गांव से आता हूँ, बचपन मेरा गांव में बिल्कुल बीता, गाय भैंस और खेतों में मैं घूमता रहता था, तो कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े शो का मैं हिस्सा और वोल्टेक्स जैसी कंपनी में ज्वाइन करूंगा। जब मैं इनेक्सको में था तो हमारे सब ड्राफ्टमैनों ने अप्लाई किया था और सिर्फ मेरा काम बना, और सबको आश्चर्य होगा इतने एक्सपीरियंस लोग, सबने बोला नरेंद्र गौड़ झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं वोल्टेक में मेरा ज्वाइन हो गया, हमारा नहीं हुआ, तू कैसे ज्वाइन कर लिया। तो कभी कभी आदमी जब झूठ बोलता है तो सच मान लेते हैं लोग। मैंने बोला रोहतक के हमारे विधायक हैं सुभाष बत्रा और हमारे एमडीए वीरेंद्र बत्रा, मैंने बत्रा साहब को फोन करवाया तो मैंने मान लिया, सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। तो मैंने झूठ बोला तो नहीं तो मान नहीं रहे। तो इसके लिए भी हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मैंने इससे पहले बहुत कंपनियों में काम किया लेकिन ऐसा शो कहीं नहीं देखा। शायद आप सर 18-20 साल के जब रहे होंगे तब आपने सोचा होगा कि मेरे ऐसी कंपनी होगी, क्योंकि फिल्मों में रहता है एनुअल डे और ये हम देखते हैं फिल्मों में गाना बजाना हो रहा है, फिल्मों में होता था, मैं सोचता था फिल्मों में ही होता है, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा शो होगा, एक ऐसी कंपनी में मैं काम करूंगा कि जहाँ इतना भव्य एनुअल डे होगा कंपनी का, शायद आपका सपना वो साकार हो रहा हो जब आप यंग होगे। आज भी यंग है आपके भीतर जो ना 18-20 साल का लड़का मचल रहा है, मुझे अभी पता है, ये तो अब थोड़ा वक्त का फिर है। तो मैं इसलिए भी आपका स्पेशल थैंक्स करूंगा, ये गांव से मेरी पत्नी आती है और मैं आता हूँ, और अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर भरोसा भी करने लगी है, ये विश्वास आ गया है। तो मैं निवेदन करूंगा रेणु गौड़ से वो आए और ये तो गा लेती। और सर ऐसे सर सुमत सर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे थोड़ा थोड़ा, इनकी भी एक बात मुझे याद आ रही है, पता नहीं क्यों मैं सुन रहा हूँ, मैंने गजनी फिल्म देखी थी आमिर खान का, तो उसमें एक आमिर खान आता है सिर्फ एक डायलॉग बोलता है, इतने बड़े एम्पायर का मालिक है, सिर्फ एक डायलॉग बोलता है, तो मेरे को इतना पसंद आया, बोला ये आप कर सकते हैं या आपका विश्वास है, ये आप ही कर सकते हैं या आपका घमंड है, इस घमंड को बाहर छोड़ कर आए, बस भाषण खत्म। ऐसे ही सर ने सुमत सर ने जो बोला ना पिछली बार कि आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ जज्बा है आपके साथ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं आपके लिए तालियां इसके लिए। वो भाषण बहुत जरूरी नहीं, आप बहुत बड़े बड़े भाषण दो, वो आपके ब्रह्म वाक्य है, उसको कहते हैं ब्रह्म वाक्य, ईश्वर का एक वाक्य है, वो जो जिंदगी में उतार लो पार हो गए। अब मैं मैडम से निवेदन करूंगा लगेगा समा, कहता है दिल और जाए
जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान।